डीजल के बढ़ते दाम और खपत को देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तैयार किया है। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 25 हॉर्स पावर के डीजल ट्रैक्टर के बराबर सभी काम कर सकता है। किसानों की सेहत के लिए भी ये ट्रैक्टर काफी लाभदायक है। डीजल के ट्रैक्टर के मुकाबले इस ट्रैक्टर में कंपन कम होती है, जिसकी वजह से किसानों को स्पाइनल कॉर्ड में परेशानी नहीं होगी। इस उपलब्धि के साथ एचआईयू हिसार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। और ये जो आपके सामने है, ये अब एक फुली फंक्शनल बैटरी चालित 16.2 किलोवाट आवर का बैटरी आपके सामने उपलब्ध है। और इस ट्रैक्टर से 22 हॉर्स पावर के डीजल इंजन ट्रैक्टर के द्वारा जो कार्य किया जा सकता है वो सारा काम इससे कर सकते हैं। पर इसका फ़ायदा एक के कि इससे प्रदूषण काफ़ी कम है, धड़कन इसमें काफ़ी कम है और आवाज़ इसमें बिल्कुल नाम मात्र के लिए है। इस ट्रैक्टर में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया गया है, लिहाजा इसकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए अनुमानित है। हालांकि विश्वविद्यालय में इसको लेकर शोध चल रहा है कि इसकी कीमत को कैसे घटाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी लागत तो इसमें बैटरी की है। और इसमें मुख्य रूप से हम यही चाहते थे कि जो हमारा छोटा और सीमांत किसान है, जिसकी संख्या पूरे भारतवर्ष में 85% के आसपास है, तो हरियाणा में भी 70% के आसपास इस तरह के किसान हमारे हैं, वहाँ पे हमें 20 से 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यदि उपलब्ध हो जाए जिसमें डीजल की कोई खपत ना हो, तो निश्चित रूप से इससे उसके उत्पादन खर्च में कमी आएगी और उसका शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा। सर, कितने वैज्ञानिकों की और छात्रों की कितने दिनों की मेहनत के बाद ये तैयार होता है? ये 2 साल का हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अभी भी, क्योंकि अभी इस ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख रुपये है, हम प्रयासरत हैं कि इसकी जो कीमत है वो और भी कम की जाए और जहाँ पे यदि अधिक हॉर्स पावर की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक कॉलेज ने इस ई ट्रैक्टर को तैयार किया है। ये ट्रैक्टर 16.2 किलोवाट की बैटरी से चलता है। ट्रैक्टर में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी लाइफ 20 साल तक है। ये ट्रैक्टर 23.17 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। 1.5 टन वजन की ट्रॉली के साथ ही ट्रैक्टर 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। जी, इसमें 16.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी है, जो आज के दिन बैटरी के टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर इसको चार्ज करने में लगभग 9 घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है और फास्ट चार्जिंग के द्वारा 4 घंटे में किया जा सकता है। लगभग घरेलू दर के हिसाब से 160 रुपये के खर्चे में ये फुली चार्ज कर सकते हैं और खेती के अंदर काम करने के अंदर इसको 1.5 टन के ट्रॉली के साथ 80 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं। और खेत के अंदर अलग अलग यंत्रों का, कोई भी यंत्र की बात करें, जुताई का यंत्र बात करें, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, सब प्रकार के यंत्र से इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करके हम काम ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर का नाम विकास ग्रीन रखा गया है। बरनाला की एक कंपनी के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। ये कंपनी करीब 6 महीने के बाद इस ट्रैक्टर को किसानों के लिए मार्केट में लेकर आ सकती है। हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।